हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आपसे भी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैथ की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम ऑन ट्रेन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। आप क्वेश्चन देख लीजिए सबसे पहले तो कैसे कैसे क्वेश्चन मैं आज इस वीडियो में कराने वाला हूं, ताकि आपको पता चल सके कि इस टाइप के क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। अगर आप चाहते हैं लगातार इसी तरीके की वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आता रहूँ, तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपने इसका बेसिक पार्ट नहीं देखा है, जो बिल्कुल मैंने बेसिक से पढ़ाया था, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो जरूर समझ में आएगी और आप वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो देखिए, यहां पे पहला क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ी की चाल क्रम 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों रेलगाड़ी एक समान दिशा में जा रही है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे एक आदमी को 5 सेकंड में पार करती है, तो तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। दो रेलगाड़ी है क्वेश्चन में जो कि एक ही दिशा में मूव कर रही है। एक की चाल तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो तेज चलने वाली रेलगाड़ी है वो धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी ट्रेन को पार करने का समय नहीं है 5 सेकंड, ये केवल इस आदमी को बैठे हुए पार करने का समय है 5 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत डिफरेंस है इस चीज़ में कि पूरी ट्रेन को पार करना और आदमी को, बैठे हुए आदमी को पार करना। ठीक है, तो जब भी ट्रेन आदमी को, मतलब ट्रेन में बैठे आदमी को या बैठे ड्राइवर को पार करती है, तो उस कंडीशन में हम उस ट्रेन की लंबाई लेते हैं जो ट्रेन उस आदमी को, बैठे हुए आदमी को पार करती है, केवल उस ट्रेन की लंबाई लेते हैं। अदरवाइज जो क्वेश्चन, जब दो ट्रेन आपस में क्रॉस करती हैं तो हम दोनों की लंबाई लेते हैं, बट जब बैठे हुए व्यक्ति को क्रॉस करती हैं तो सिर्फ उसी ट्रेन की लंबाई ली जाती है जो ट्रेन उस आदमी को क्रॉस करती है। इतनी चीज़ समझ में आ गई? अगर इतनी चीज़ समझ में आ गई है तो क्वेश्चन समझिए पूरा सोल्व हो चुका है। यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए दो मूविंग ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में मूव कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था जब भी दो मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी कार ट्रेन, एक ही दिशा में जाते हैं तो दोनों की चाल का डिफरेंस लेते हैं। अब इन दोनों की चाल का डिफरेंस कितना आएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब ये किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पे सेकंड में समय दे रखा है, तो आपको ये चाल भी मीटर पर सेकंड में बदलनी होगी। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 20 की मल्टीप्लाई 5/18 में करेंगे तो कितना आएगा, 5.55 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये चाल आ गई मीटर पर सेकंड में। समय आपको दे ही रखा है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है समय निकालने का, समय बराबर लेंथ ऑफ ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई और रेलगाड़ी की चाल से भाग कर देते हैं। तो लेंथ ऑफ ट्रेन तो हमें निकालनी है क्योंकि यही क्वेश्चन में पूछा है। टाइम आपको दे रखा है 5 सेकंड, स्पीड हमने निकाल ली 5.55 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 5 तो यहाँ पे लिख देना है, लेंथ को आपको एल ई वहीं पे वैसे रखना है और ये 5.55 ऐसे लिख देना है। क्रॉस इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो एल बराबर क्या हो जाएगा, 27.75 मीटर, यानी कि जो लेंथ ऑफ ट्रेन है, रेलगाड़ी की लंबाई है, वो कितनी है, 27.75 मीटर। इतनी लंबी वो ट्रेन थी जिसने इस आदमी को, धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे आदमी को 5 सेकंड में पार किया है। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन को समझने में कोई भी प्रॉब्लम आई है तो क्वेश्चन नंबर 1 डाल के नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि प्रॉब्लम आई है। अगर समझ में आया तो लाइक या कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे पता चल सके। ठीक है, और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी टाइप का है, वीडियो के एंड में कराने वाला हूँ तो उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, दो ट्रेन दो स्टेशन से एक ही समय से शुरू होती है और क्रम 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की तरफ बढ़ती है। एक दूसरे की तरफ यानी कि अगर एक इधर को आ रही है तो दूसरी उसकी तरफ को आ रही है। ठीक है, जब दोनों ट्रेन मिलती है तो यह पाया जाता है कि एक ट्रेन दूसरी की तुलना में 50 किलोमीटर अधिक यात्रा करती है। तो दोनों स्टेशन के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो क्वेश्चन को सेकंडों में कर लेंगे। एक बार समझ लीजिए बस, दो ट्रेन है, एक 15 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, एक 20 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। दोनों एक दूसरे की तरफ को मूव करती है, एक दूसरे की तरफ को चलती है। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पर बताया गया है, यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे, एक दूसरे की तरफ को चलती है, एक दूसरे की तरफ बढ़ती है, यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो चुका है। जब दोनों ट्रेन मिलती हैं, ये कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे मिलेगी, दोनों ट्रेन जब मिलती है तो यह पाया जाता है कि एक ट्रेन
दूसरी की तुलना में 50 किलोमीटर अधिक यात्रा करती है। अब 50 किलोमीटर कौन सी ट्रेन यात्रा करेगी अधिक, जो तेज चल रही है, ये वाली अधिक कर जाती है 50 किलोमीटर यात्रा कवर। ठीक है, तो जब ये 50 किलोमीटर अधिक कवर कर जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ, हर एक घंटे में 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रही थी तो 50 किलोमीटर कितने घंटे में चलेगी, भाई आप समझ रहे हैं ना। थोड़ा सा एक बार और बता देता हूँ, ये 15 से चलती है ट्रेन, ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, ये हर एक घंटे में 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलती है हर एक घंटे में। अब जब ये मिलती हैं दोनों, ये पाया जाता है कि ये 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा चली, ये वाली ट्रेन एक्स्ट्रा चली क्योंकि 5 किलोमीटर प्रति घंटे में एक्स्ट्रा चल रही थी। इसका मतलब ये 50 किलोमीटर कितने घंटे में कवर किया होगा इसने, 10 घंटे में। इसका मतलब ये दोनों ट्रेन अभी तक कितनी चली, ये भी 10 किलोमीटर चली और ये भी 10 किलोमीटर चली, अभी तक ये 10 किलोमीटर चली है। तो यहाँ पे डिस्टेंस इनके बीच की हमें निकालनी है कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो 10 घंटे में इसने कितना कवर किया होगा, 15 की गुणा कर देंगे 10 में तो 150 किलोमीटर, और इसने कितना कवर किया होगा, 20 की मल्टीप्लाई 10 में कर देंगे 200 किलोमीटर। यानी कि इन दोनों ने मिलके पूरी डिस्टेंस कितनी कवर की है, 150 प्लस 200 350 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है। इसका मतलब इनके बीच की जो दूरी थी वो कितनी थी, 350 किलोमीटर थी। आप ये बताइए समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया तो बिल्कुल एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि मुझे पता चल सके। देखिए, और यहाँ से ये भी पता चलता है कि एक ट्रेन 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा चली, तो कौन से वाली, ये वाली एक्स्ट्रा चली ना, इससे एक्स्ट्रा चली है 50 किलोमीटर। तो ये भी हमारा यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि जो ट्रेन तेज़ी से चल रही थी वो 50 किलोमीटर ही एक्स्ट्रा चली है। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और भी कराने वाला हूँ, देखते रहिए वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, और इसको अगर आप इससे आसान मेथड से कर सकते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर हाँ मेरे पास इसकी और भी ट्रिक है और इसको ये मैंने इस तरीके से भी कर दिया था। चलिए एक बार ट्राई कर लीजिए क्वेश्चन को। दो ट्रेन विपरीत दिशा में चलते हुए एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 27 सेकंड और 17 सेकंड में पार करती है और वे एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती है, तो उनकी गति का अनुपात क्या है, गति का अनुपात बताना है। दोस्तों मुझे ये बताइए, इन्होंने बोला कि दो ट्रेन है एक दूसरे की तरफ को चलती है, ये इधर को चल रही है तो ये इधर को चल रही है, और ये बताया गया है कि एक आदमी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, तो ये वाली ट्रेन इसको 27 सेकंड में पार कर जाती है इस खड़े हुए आदमी को, और ये ट्रेन इसको 17 सेकंड में पार कर जाती है इस खड़े हुए आदमी को। इससे हमें क्या पता चलता है कि ये 27 सेकंड में पार कर रही है, इसकी चाल थोड़ी कम होगी, इसकी चाल ज़्यादा होगी क्योंकि ये जल्दी पार कर जाती है, और ये एक दूसरे को, देखिए ये तीनों चीज़ बता दी हमें कि ये एक दूसरे को, यानी कि ये जब इधर को आती होगी ये इसको इधर से कवर करके जाती होगी, तो ये एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें तीन चीज़ें मिल गई हैं, हम एलिगेशन मेथड यूज कर लेंगे। ठीक है, एलिगेशन मेथड मीन्स यहाँ पे 27 ये इसको करती है खड़े हुए आदमी को मतलब क्रॉस करती है, और ये 17 सेकंड में ट्रेन टू खड़े हुए आदमी को क्रॉस करती है, और एक दूसरे को 23 सेकंड में क्रॉस करती है। इधर से मैंने इसमें से माइनस किया 4 आ गया, इधर से इसमें से माइनस किया 6 आ गया, यानी कि इनका रेशो क्या बन के आ गया, 2 × 4 और 2 × 3 = 6, 3:2 का रेशो आ जाएगा। यही आपसे पूछा गया था कि इनकी गति यानी कि चाल का रेशो क्या है, तो 3:2 इज़ द राइट आंसर। आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में दिखे तो डायरेक्ट एलिगेशन मेथड लगा दीजिए, अदरवाइज मैं इसको अगर ट्रेडिशनल मेथड से कराऊँ तो कम से कम बता रहा हूँ कितनी भी स्पीड लगा लीजिए, लिखने में डाटा को कम से कम 2 से 3 मिनट लग जाएगी अगर आपको पूरा पता हो सब कुछ, और अगर नहीं पता है पहले आप ट्राई करेंगे तो 5 से 10 मिनट भी लगा सकते हैं। आप खुद ट्राई करके देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को किसी भी दूसरे मेथड से। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, दिल्ली और अमृतसर के बीच की दूरी 450 किलोमीटर है। देखिए यहाँ से दिल्ली से अमृत है ये अमृतसर, तो यहाँ पे 450 किलोमीटर की दूरी है इन दोनों के बीच में। एक ट्रेन दिल्ली से 4 बजे शुरू करती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और दूसरी ट्रेन भी अमृतसर से दिल्ली की ओर आती है 3:20 पे चलना शुरू करती है 80 किलोमीटर की चाल से, तो आपस में यह किस समय मिलेंगी। यहाँ पे बताना है कि ये दोनों बीच में कहीं ना कहीं मिलेंगी ना, तो किस टाइम मिलेगी। अब इस क्वेश्चन को भी मैं करने का तरीका आपको बताता हूँ सबसे पहले, और आप उस तरीके से करिएगा, और फिर एक ही सेकंड में मैं तरीका चेंज करूँगा, मतलब थोड़ा सा अलग अलग दो तरीके से मैं क्वेश्चन को सोल्व करना बताऊँगा। दोनों ही बेस्ट है, बट दोनों तरीके से आपको
मतलब हमेशा किसी भी एक तरीकों को मत पकड़िएगा, क्योंकि एक ही तरीके को पकड़ेंगे तो कभी कभी डिफिकल्ट बना देता है क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे अभी इस क्वेश्चन में समझिए, दिल्ली से अमृतसर के बीच की दूरी 450 है, एक ट्रेन है 4 बजे चलती है दिल्ली से अमृतसर की तरफ को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, एक अमृतसर से चलती है दिल्ली की तरफ को 3:20 पे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब मैं क्या करूँगा, जब भी मैं आपको बताया पहले भी कई बार क्वेश्चन में कि जब भी टाइम का डिफरेंस आ रहा हो, ये 4 बजे चलती है ये 3:20 पे चलती है, तो दोनों को इक्वल टाइम कर लेते हैं। अगर टाइम इक्वल नहीं रहेगा तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। टाइम को इक्वल करते हैं कैसे, भाई ये 3:20 पे चली यानी कि 40 मिनट पहले चल दी थी, तो ये 40 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, 40 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। अगर आप 80 किलोमीटर चलती है तो 40 मिनट में कितना किलोमीटर चलेगी, ये निकालने में ये आएगा फ्रैक्शन में वैल्यू। आप निकाल के देखेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे और 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी तो क्वेश्चन हार्ड बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि या तो आप इसको भी इक्वल कर सकते हैं, और हमेशा इसको ही इक्वल करिएगा, जब ये इक्वल ना हो तो फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही हो तो आप इसको भी पीछे ले जा सकते हैं, यानी कि ये 4 लिखा है ना, तो इसका इसको 3:20 पे ले जाइए, कभी कभी इसको भी पीछे ले जाके क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है जब ये फ्रैक्शन में वैल्यू आती हो, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। अगर कोई भी पॉइंट में भी प्रॉब्लम नहीं ना तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, आपको 100% मैं बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो इसको पीछे ले जाएंगे, जब ये 4 बजे से चल रही थी तो इसको मैं 3:20 पे ले जाऊंगा यानी कि 40 मिनट पीछे ले जाऊंगा, ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है तो 40 मिनट में कितना चलेगी भाई, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है तो हर एक मिनट में 1 किलोमीटर चलती होगी, 40 मिनट में 40 किलोमीटर चलेगी, तो इसका मतलब ये 3:20 पे जब चलेगी तो 40 किलोमीटर मैं पीछे लेके आ गया, तो ये भी तो बिल्कुल सेम ही कंडीशन बन गई ना, जितना मैं इसको पीछे लेके आया इतना ही मैंने डिस्टेंस बढ़ा दी, ठीक है। अब ये दोनों 3:20 पे स्टार्ट होगी दोनों के दोनों, और यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ जाएगी 450 से बढ़ा के 40 और बढ़ा देंगे तो 490 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस हो जाएगी, और दोनों 3:20 पे स्टार्ट होगी तो इसका मतलब क्या करेंगे, 490 को हम क्या करेंगे, दोनों की डिस्टेंस को प्लस कर देंगे, क्योंकि स्पीड को एक दूसरे की तरफ को मूव कर रही है, तो 60 और 80 कितना हो जाएगा 140, तो 490 को 140 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 3 से 4/14 और 7 × 7 = 14 यानी कि 3 से 1/2 आर्स, यानी कि इतने घंटे लग जाएंगे इन दोनों को मिलने में, ठीक है भाई, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। अब आप ये अगर कॉन्सेप्ट आपकी समझ में नहीं आया तो इसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसका टाइम बढ़ा लीजिए, मतलब टाइम सेम करना है हमें, सबसे पहली बात यही है। ये कितना चल लेगी ये निकाल लीजिए पहले, ठीक है, ये जितना भी चलेगी उतना चलाने के बाद में, उसके बाद उस डिस्टेंस को जितना ये चल लेगी, ये वाली पहले वाली ट्रेन 40 मिनट में जितना कवर कर लेगी उसको 450 में से माइनस कर देंगे, और जो भी डिस्टेंस बचेगा उसको 60-80 में प्लस करके उसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, अगर कोई भी डाउट है प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको फिर दोबारा से बता दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अभिनव मुंबई से सुबह 6 बजे निकलता है और बेंगलोर वह सुबह 10 बजे पहुंच जाता है। देखिए अभिनव जो है मुंबई से सुबह 6 बजे निकलकर बेंगलोर सुबह 10 बजे पहुंच जाता है, प्रवीण बेंगलोर से सुबह 8 बजे निकलकर और मुंबई सुबह 11:30 यानी कि 11:30 पहुंच जाता है, तो दोनों एक दूसरे कितने बजे पार करेंगे, यानी कि एक दूसरे को कितने बजे क्रॉस करेंगे। भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पे भी मैं बताऊंगा कि बच्चे गलती क्या कर जाते हैं, ये क्वेश्चन मेरे से एक बच्चे ने पूछा था और ये इसलिए मैंने यहाँ पे आपको कवर करा दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या है कि अभिनव जो है वो मुंबई से सुबह चलता है 6 बजे बेंगलोर की तरफ को, तो मुंबई से बेंगलोर जाएगा इस डायरेक्शन में, और ये मुंबई है बेंगलोर है, और बेंगलोर से मुंबई आएगा इस तरीके से, तो ये 6 बजे चलता है 10 बजे पहुंच जाता है मुंबई, ठीक है सॉरी बेंगलोर, और ये चलता है इधर से बेंगलोर से 8 बजे और ये मुंबई पहुंचता है 11:30, ठीक है। तो इनके बीच का जो टाइम का डिफरेंस आया कितना आया, ये 4 घंटे लेता है यहाँ से यहाँ तक जाने में, और ये इधर से बेंगलोर से मुंबई जाने में 3.5 घंटे लेता है। इसका मतलब मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, टाइम कितना लेता है मुंबई से बेंगलोर 4 और बेंगलोर से मुंबई 3.5, ठीक है। ये तो हो गया टाइम, अब आप सभी को पता होगा कि जो टाइम होता है वो स्पीड का इन्वर्स होता है,
यानी कि उल्टा होता है। अगर टाइम का रेशो ये आया है तो स्पीड का रेशो 3.54 हो जाएगा। यानी कि देखिए, आप सभी को इतना चीज़ तो पता ही होगी ना कि टाइम जो ज़्यादा लेगा, जो टाइम ज़्यादा ले रहा होगा उसकी चाल कम होगी, और जो टाइम कम लेगा उसकी चाल ज़्यादा होगी ना। इतना तो सीधी सीधी सी बात है। तो इनका इसलिए मैंने लिख दिया, अगर टाइम का आपको पता चल गया कि टाइम का रेशो इनका ये है दोनों का जाने का, ये इधर से इधर जाने का टाइम का रेशियो इसका 4 है, यानी कि 4 घंटे ले रहा है, 3.5 घंटे ले रहा है, तो इनके बीच का रेशियो ही तो आ गया ना ये। अब यहाँ पे स्पीड का रेशियो इनका उल्टा हो जाएगा, तो इसका 3.5 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर करता होगा, किसी भी एक साइड का डिस्टेंस निकाल लीजिए, क्योंकि ये भी उतनी डिस्टेंस को कवर करता है और ये भी उतनी डिस्टेंस को कवर करता है। तो अगर मैं देखूँ 7 की मल्टीप्लाई 3.5 में मल्टीप्लाई कर दूँ तो 14 किलोमीटर कवर करता है। ठीक है भाई, ये कितना 14 किलोमीटर कवर करता है, यानी कि टोटल जो डिस्टेंस है 14 किलोमीटर है। अब ये जो टोटल डिस्टेंस में से ये 6 बजे चलता है, ये 8 बजे, यानी कि 2 घंटे पहले चलता है। अब ये 2 घंटे पहले चलता है, 2 घंटे में कितना कवर कर लेगा, ये चलता कितना है, ये 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने स्पीड अभी निकाली ना, इन दोनों की स्पीड, और दोनों की स्पीड भी हमें पता चलेगी, टाइम भी। तो ये 6 बजे, अब मैंने आपको बताया था टाइम इक्वल करना होता है, ये 8 बजे चला या 6 बजे चला, तो ये 2 घंटे पहले चला, तो 2 घंटे में इसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर ली होगी। ये इसने कितनी, 1 घंटे में 3.5 किलोमीटर चलता है, तो ये 2 घंटे में कितना चलेगा, 7। तो इस 14 किलोमीटर में से टोटल डिस्टेंस में से 7 को माइनस कर देंगे। अब जब इसमें से 7 माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना, 7 किलोमीटर। अब इस 7 किलोमीटर को दोनों मिलके कवर करेंगे, दोनों मिलके कवर करेंगे, दोनों की चाल कितनी है, 3.5 और 4, तो कितना हो जाएगा, 7.5। तो 7 किलोमीटर को जब 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कवर करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई 60 से कर लेंगे तो 56 मिनट लगेगी। तो 2 घंटे तो पहले लग चुके थे और 56 मिनट ये, तो 2 घंटे 56 मिनट टोटल टाइम लगेगा इस डिस्टेंस को कवर करने में। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि बीच में जहाँ कहीं क्रॉस करेंगे ना, 2 घंटे 56 मिनट लगेगी इनको क्रॉस करने में। भाई समझ में आ गया ना, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में करके बता दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, मुझे पता भी चलना चाहिए कि समझ में आया या नहीं आया है। ठीक है, क्योंकि ऐसे पता नहीं चलता है, मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, कितना भी अच्छा समझा लूँ, तब तक आप कुछ रेस्पॉन्स नहीं करोगे तब तक नहीं पता चलेगा कि समझ में आया या नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको भी समझिए। देखिए, इजी इजी क्वेश्चन पढ़ने से कुछ नहीं होगा, मेरा पहला पार्ट इजी रहता है, दूसरा पार्ट अच्छे लेवल के क्वेश्चन का रहता है, तो दोनों पार्ट देखने बहुत जरूरी होते हैं। यहाँ पे है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है और वह प्रत्येक 75 मिनट जाने पर 3 मिनट का स्टॉप लेती है, और दूसरी लोकल ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और वह प्रत्येक 25 किलोमीटर की जाने के बाद 1 मिनट का स्टॉप लेती है। यदि दोनों ट्रेन समान समय पर चलती है तो लोकल ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन के 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिए गए समय में कितनी दूरी तय करेगी। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन ही समझा देता हूँ, पूरा का पूरा क्वेश्चन ज़्यादा लंबा हो गया। यहाँ पे बोला जा रहा है एक एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, और यहाँ पे बताया जा रहा है जो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली ट्रेन ये 75 किलोमीटर, हर एक 75 किलोमीटर में जाने के बाद में 3 मिनट का ब्रेक लेती है। टोटल डिस्टेंस कवर कितनी करनी है, 600 किलोमीटर। यानी कि हम यहाँ पे बता सकते हैं कि जब 600 किलोमीटर चलेगी और 100 किलोमीटर, ये 100 होगा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी ये ट्रेन, तो ये कितना कितने घंटे लेगी इसको कवर करने में, 6 घंटे। यानी कि 6 घंटे कवर करने में लेगी, और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि 75 किलोमीटर जाने के बाद में 3 मिनट का ब्रेक लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये हमें पता चल गया कि 600 किलोमीटर को 100 किलोमीटर प्रति घंटा से 6 घंटे में हम पार कर सकते थे, बट हर एक 75 किलोमीटर पे जाने के बाद में 3 मिनट का ब्रेक भी लग रहा है, तो टोटल टाइम तो हम तब निकालेंगे ना, तो 600 को आप 75 से भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 8। तो 8 ये यानी कि इतने कितने 8 ब्रेक लेगी बीच में, इस 600 किलोमीटर को दूरी को कवर करने में 8 ब्रेक लेंगे, और हर एक ब्रेक में 3 मिनट का ब्रेक है, तो 8 * 21 = 21 मिनट का तो ब्रेक हो गया आपका, और 6 घंटे इसको डिस्टेंस को कवर करने में लग रहे हैं। इसका मतलब 6 घंटे 21 मिनट का टोटल समय लग रहा है इस डिस्टेंस को कवर करने में। ठीक है भाई, चलिए अब यहाँ पे आता है दूसरे वाला पॉइंट जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है। यहाँ पे बोला जा रहा है, देखिए यहाँ से पढ़ते हैं, और दूसरी लोकल ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है
और वह प्रत्येक 25 किलोमीटर जाने के बाद 1 मिनट का स्टॉप लेती है। यदि दोनों ट्रेन समान समय पर चलती है तो लोकल ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन के 600 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए लिए गए समय में कितनी दूरी तय करेगी, यानी कि इसने 6 घंटे 21 मिनट लिया है तो ये 6 घंटे 21 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी ये आपको बताना है। इससे हमें पूरा 600 किलोमीटर कवर नहीं कराना है, ये जितने इसने कितना समय लिया है आप ये देखिए, इसने 6 घंटे 21 मिनट लिए हैं एक्सप्रेस ट्रेन ने इस डिस्टेंस को कवर करने में। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो लोकल ट्रेन है वो 6 घंटे 21 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन पे। अब सभी को पता है कि 600 को जब मैं 50 से भाग करूँगा तो कितना आएगा, 12, यानी कि 12 घंटे में जो लोकल ट्रेन है 12 घंटे में पूरी 600 को कवर करेगी। अब यहाँ पे ये 6 घंटे 21 मिनट ले लिया, इसका मतलब ये केवल आधा आधा कवर करेगी, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 300 किलोमीटर। अब 300 किलोमीटर जब ये कवर करेगी तो हर एक 25 किलोमीटर पे जाके ब्रेक ले रही है 1 मिनट का, तो 300 को 25 से भाग करेंगे यानी कि इसने 12 ब्रेक लिए, 12 ब्रेक का मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 12 ही मिनट के इसने ब्रेक लिए। तो 6 घंटे 12 मिनट के इसने ब्रेक ले लिए। और अब यहाँ पे बोला जा रहा है, अब ये देखिए यहाँ पे पूछा गया कि ये जितनी एक्सप्रेस ट्रेन टाइम लेती है उतने टाइम में कितने डिस्टेंस कवर करेगी, तो 6 घंटे 12 मिनट इसने लिए हैं, अभी कितना टाइम और बचा है, 9 मिनट। तो 9 मिनट में और कितनी दूरी यह तय करेगी, तो देखिए आपको क्या करना है, 50 को 60 से भाग करना है और गुणा 9 से कर देना है, यानी कि 9 मिनट में कितना डिस्टेंस और कवर कर लेगी, 7.5 किलोमीटर। तो 300 प्लस 7.5 किलोमीटर कितना हो जाएगा आपका, 307.5 किलोमीटर डिस्टेंस ये कवर करेगी। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि लोकल ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन के लिए गए समय में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो ये इतना डिस्टेंस कवर कर लेगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया होगा तो बता दीजिएगा वीडियो को लाइक करके, आशा करता हूँ कि समझ में तो आ ही रहा होगा। देखिए ये लास्ट वीडियो का, जो इससे पहले मैंने कल वीडियो अपलोड की थी परसों, उसका 9वां क्वेश्चन है और इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, मैंने कई कमेंट उठा के देखे तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको दोबारा करा रहा हूँ। और अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ ले करें, मैं किसी भी वीडियो के एंड में उसको करा देता हूँ। यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, उसके सामने से 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है, तो बताओ पहली ट्रेन के ड्राइवर को दूसरी ट्रेन कितने समय में पार जाएगी। जो पहली ट्रेन का ड्राइवर है वो दूसरी ट्रेन के ड्राइवर को कितने समय में पार जाएगी, ये आपको बताना है। अभी ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी कराया, बट ये उससे भी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेन का ड्राइवर दूसरे ट्रेन के ड्राइवर को पार कर रहा है। अब बात आती है जब एक ट्रेन का ड्राइवर दूसरी ट्रेन के ड्राइवर को पार करेगा तो तब क्या करना है, तब आपको देखना है कि कौन सी ट्रेन का ड्राइवर कौन सी ट्रेन के ड्राइवर को पार कर रहा है। यहाँ पे बोला गया है, पढ़ता हूँ मैं दोबारा से क्वेश्चन को, उसके सामने 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है, तो बताओ पहली ट्रेन के ड्राइवर को दूसरी ट्रेन के कितने समय में पार कर जाएगी, दूसरी ट्रेन के ड्राइवर को कितने समय में पार कर जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दूसरी ट्रेन की लेंथ लेनी है। देखिए यहाँ पे बोला जाए तो बताओ पहली ट्रेन के ड्राइवर को दूसरी ट्रेन का ड्राइवर कितने समय में पार कर जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी ट्रेन का हमें लेंथ लेनी है, दूसरी ट्रेन का ड्राइवर पहली वाली ट्रेन के ड्राइवर को पार करेगा। ठीक है, तो जब दूसरी ट्रेन का ड्राइवर पहली वाली ट्रेन के ड्राइवर को पार करेगा तो लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन और दोनों की चाल को प्लस कर लेंगे क्योंकि ये एक दूसरे की तरफ को आ रहे हैं, जब भी एक दूसरे की तरफ को आते हैं दोनों की चाल को प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो सबसे पहले इनको मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए, 40 और 30 कितना हो जाएगा आपका 72, और 72 को किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 18 से 72 जाएगा 4 बार, तो 4×5=20, 20 मीटर पर सेकंड आपका ये आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन आपकी कितनी है, 180 मीटर, तो 180 को आप 20 से भाग कर दीजिए तो यहाँ पे आपका 9 सेकंड राइट आंसर आ जाएगा, यही आपसे पूछा गया था। तो ऐसा करता हूँ कि अब आपके ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, जब भी एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती है तो हम दोनों की लेंथ को प्लस कर लेते हैं, पर जब भी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करती है तो आपको यहाँ पे भी दो कंडीशन हो सकती है, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को पार करेगी, या फिर जैसे इस क्वेश्चन में कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन के ड्राइवर को कितनी देर में पार करेगी, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन किसकी लेनी है। जब बोला जाए कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति के बैठे ड्राइवर को पार करेगी, तो जो ट्रेन दूसरी ट्रेन के ड्राइवर को पार करेगी
तो वो ट्रेन की लेंथ लेनी है। जब यहाँ पे बोला जाए कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन के ड्राइवर को पार करेगी, तो यहाँ पे इस चीज़ पे ध्यान देना है कि पहली ट्रेन के ड्राइवर को दूसरी ट्रेन के ड्राइवर कितने समय पार कर लेगा, तो दूसरी ट्रेन का ड्राइवर पार करेगा पहले वाली ट्रेन के ड्राइवर को।